कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपीश गोपीकांत श्री राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय वृंदाय तुलसी दिव्य प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति ब्रजे विशक्तवते नमो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांति गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितलीला प्रविष्ण विष्णुपाद अष्टोदर सद श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में यथाजोग्य प्रणाम करता हूँ। हम लोग श्रवण कर रहे थे रासलीला। रासलीला में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बड़ा सुंदर व्याख्या करते हैं। उसमें जो पहला जो शब्द है भगवान अपि तारात्री, जब श्री सुखदेव गोस्वामी भगवान का कोई मधुर लीला को वर्णन करते हैं तब सभी को पहले सावधान करा देते हैं। वो ऐसे शब्द प्रयोग करते हैं जे सभी सावधान हो जाओ, क्योंकि साधारण लोग सोचते हैं अरे क्या भगवान होकर के जो धर्म स्थापन करने के लिए जो आए, लेकिन उन्होंने कौन सा धर्म किया था, धर्म किया है पर आई गोपियों को लेकर के उन्होंने रास रचाए, इसलिए उन्होंने उनको काम में तो पागल हो गए भगवान। लेकिन श्री श्रीधर स्वामी कहते हैं नहीं, ये काम में मुग्ध नहीं हुए, उन्होंने काम के ऊपर विजय प्राप्त किया। वो कहते हैं ये लीला काम विजय लीला है। तो इसलिए हम पहले सुन रहे थे कैसे श्री कामदेव का मन में अभिमान हो गया था, मैं तो विश्व ब्रह्मांड को मैंने जीत लिया, क्योंकि सबको मैंने पागल बना कर रख दिया। ब्रह्मा को भी पागल बना दिया, शंकर को भी पागल बना दिया, विश्वामित्र को भी पागल बना दिया, नारद को भी पागल बना दिया, इंद्र को भी पागल बना दिया, सारा दुनिया को मैंने पागल बना दिया, किसी को मैंने छोड़ा नहीं। हाँ केवल एक व्यक्ति अभी बाकी रह गया, कहते वो कृष्ण है। अगर इनके साथ में दो हाथ हो जाए ना जी, फिर कृष्ण को परास्त कर दूंगा, फिर तो सारा दुनिया का मालिक मैं ही बन जाऊंगा। एक दिन जा करके भगवान से चुनौती मांगा, बोले आ जा मेरे साथ में दो हाथ कर लो। भगवान ने कहा कोई चिंता मत करो, द्वापर युग का अंतिम में मैं जब कृष्ण बन कर आऊंगा, फिर तेरे साथ में रास करते समय तेरे साथ में मैं युद्ध करूंगा। कामदेव तो हंसते हंसते चले गए, बोले ये क्या बोल रहा है, रासलीला करते समय मेरे साथ में युद्ध करेगा हैं? गोपियां तो परम सुंदरी है, केवल कितने सुंदरी गोपियां। उसके लिए उदाहरण दिया, ये पृथ्वी में जितने स्त्रियां हैं इनकी सुंदरता को एकत्रित करो और जितने सुंदरी बनेंगे स्वर्ग में एक अप्सरी उतना सुंदरी है। इतने सुंदरी कहते स्वर्ग का जितने सारे अप्सरियां है उनकी सुंदरता को जब एकत्रित करोगे वो बनेगा एक वैकुंठ में जो लक्ष्मी है, एक लक्ष्मी को साथ में भी सुंदरता नहीं हो सकती है। लक्ष्मी इतने सुंदर है, कहते सारे लक्ष्मी की सुंदरता को जब एकत्रित करेंगे तब जाकर के कहीं जो महिषियों की सुंदरता को साथ में कहीं बराबर करते हैं। और जितने सारे महिषियां हैं अगर सारे 16108 पटरानी जब इनकी सुंदरता को एकत्रित करोगे जा करके एक गोपी की सुंदरता के साथ में बराबर होता है। कहते इनकी गोपियों की जितना सुंदरता जब इसको एकत्रित करोगे फिर जाकर कहीं राधा जी की चरण की नख से जो ज्योति निकलती है ऐसे करोड़ों लक्ष्मियां भी जिसकी ज्योति में समा जाती है। इतने राधा रानी सुंदरी है। इसलिए कामदेव तो हाँ हंसते हंसते चले गए, ये क्या युद्ध करेगा मेरे साथ में। कहते गोपियों के साथ में जब रहेगा तब युद्ध करेगा, जब कृष्णा
रास कर रहे थे सतकर्ण गोपियों को साथ में, तब कृष्ण श्री कामदेव को उन्होंने आह्वान किया, बोले आ जाओ युद्ध करने के लिए, युद्ध करने के लिए आ जाओ। तब कामदेव तो अपना अस्त्र शस्त्र को लेकर के आ गया, बोले अस्त्र शस्त्र क्या है, बोले उसको पास में 5 बाण है, सनमोहन उच्चाटन स्तंभन शोषण करके उसको पास में 5 बाण है, लेकिन उसने जो ब्रह्मा शंकर का प्रति उसने एक एक बाण मारा था, वो एक एक बाण से वो पागल हो गए काम में। उसने देखा लगता है ये जो योद्धा है ना, लगता है बलवान है, हाँ ये कोई साधारण योद्धा नहीं, इसलिए उन्होंने कहते उसको पास में पुष्पक बाण है, उसने अपना पुष्पक बाण के ऊपर में उन्होंने एक साथ में 5 बाण को उन्होंने संधान किया, बड़ी जोर से कान तक उन्होंने खींचे, खींच करके उन्होंने कृष्ण के ऊपर में प्रहार किया, प्रहार किया। कृष्ण सतकर्ण गोपियों को लेकर के जो रास कर रहे थे, कृष्ण पूरा रास को त्याग दिया और राधा रानी को अकेले लेकर चले गए। कामदेव ने देखा गोपियां इतनी सुंदरी, इतनी सुंदरी, और जो परिवेश कैसे था, एकदम रात का बीच, रात का बीच में, और जिस समय सुंदर चंद्रमा का किरण छिटक रहा था, जहां पर सुंदर सुंदर कोयल कुहू कुहू कर रही थी, जहां पर सुंदर सुंदर मयूर केका कर रहे थे, जहां पर जूई चमेली बेली केतर की मालती सुंदर सुंदर पुष्पों की जो सुगंध से पूरा चतुर्दिक आमदित हो रहा था, मतलब संपूर्ण काम उद्दीपक स्थान था। लेकिन उसी समय में भी कृष्ण के ऊपर बाण प्रयोग किया, कृष्ण गोपियों के प्रति कोई आसक्ति नहीं, सब गोपियों को त्याग दे करके केवल राधा रानी को लेकर चले गए। कामदेव तो अक्के बक्के चके रह गए, बोले गोपियां इतनी सुंदरी गोपियां, हाँ एकदम किशोरी उम्र की गोपियां, पर निर्जन रात, हाँ जहां पर सारे काम उद्दीपक वस्तु, इसको फिर कोई बाणी काम ही नहीं किया, ये तो सबको छोड़कर चले गए। कृष्ण ने कहा कामदेव तेरे पास में और कोई बाण है, बोले एक बाण बाकी है, क्योंकि सबसे जो सुंदरी है राधा रानी, अब अभी राधा रानी आपको साथ में है, इनकी सुंदरता को साथ में किसी की सुंदरता को हम वर्णना नहीं कर सकते हैं, और एक चांस है। फिर कामदेव ने फिर एक साथ में 5 बाण को अपना धनुष को ऊपर चढ़ाया, फिर कान तक खींच करके कृष्ण के ऊपर में प्रहार करते हैं। कृष्ण राधा रानी को भी छोड़ करके कृष्ण चले जाते हैं। कामदेव ने देखा भैया मेरे बाण भी काम नहीं किया, मैंने ब्रह्मा शंकर जी को ऊपर एक बाण चलाया था, वो पागल होकर कोई बेटी को पीछे, कोई मोहिनी को पीछे, हैं कोई लक्ष्मी को पीछे भागने लग गए, लेकिन इसका तो कुछ नहीं हुआ। कृष्ण ने कहा कामदेव और बाण है, बोले प्रभु मेरा सारे बाण खत्म, बोले मेरे बाण को अभी सहन करो, अभी मैं बाण प्रयोग करता हूं, इसलिए कृष्ण को भी 5 बाण है, बोले उनके अंदर 5 बाण किया है, इसलिए गोपी गीत में वो श्लोक मेरी याद नहीं आ रहे हैं, उनके 5 बाण है, कृष्ण का जो मीठी मीठी मुस्कराहट है, कहते ये एक बाण है, कृष्ण का जो तेरी सी चितवन है, कहते ये एक बाण है, कृष्ण की जो सुंदरता है, हैं कहते ये एक बाण है, कृष्ण की जो मधुर या गिरा, मतलब उनको जो मीठी मीठी बोली, कहते ये एक बाण है, कहते ये एक एक बाण है। इतने में कृष्ण बोले कंदर्प कोटि कमन्य विशेष शोभम गोविंदं मादि पुरुषम तमं भजामि। कृष्ण कैसे, बोले कोटि कंदर्प कमनीय विशेष शोभम, कृष्ण का इतना सुंदर रूप है, इसलिए कभी कभी गोपियां कहती हैं श्याम सुंदर तू यदि हो तो लाली गला कटे जाती करण की, भगवान अच्छा किया तेरे को लाली नहीं बना कर लाला बना दिया। बोले क्यों, बोले तू इतने सुंदर है ना, अगर तू लाली होती पता नहीं दुनिया का जितने क्षत्रिय तेरे को पाने के लिए ना सब युद्ध करते करते खत्म हो जाते, मर जाते, अच्छा हो गया तेरे को लाली नहीं तेरे को लाला बना दी, इतने सुंदर कृष्ण। इसलिए जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं स्मरांग भंगित रे परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टि, बोले खबरदार कोई वृंदावन मत जाओ, अगर भूले भटकते हुए चले गए तो कैसी तीर्थ घाट में कभी जाना नहीं। बोले भैया इसलिए तो जा रहे हैं वृंदावन में
कैसे तीर्थ में घाट में नहाएंगे धोएंगे। बोले बोल रहे कैसे तीर्थ घाट में मत जाओ। बोले भैया सावधानी से सुनो, अगर भूल से कभी वहां चले गए ना, याद रखो कभी गोविंद देव मंदिर में प्यार रखने नहीं जाए। अरे भैया इसलिए तो जा रहे हैं गोविंद देव के दर्शन के लिए, आप कह रहे हो मंदिर में जानी नहीं चाहिए। बोले एक बार चले गए ना हमारे दोस्त, नहीं थे ना मेरे हैं। बोले स्वरूप नय नहरे कह नाही घरे फिरे, संसारी जीवे से तो है सर्वनाश। कहते एक बार अगर वो रूप को कोई देख लिया, कहते उनको मीठे मीठे हंसी नहीं, वो चाकू चलाते हैं। बोले उनका चर से चित्त बने नहीं, वो तीर चलाते हैं। बोले मयूर मुकुट नहीं, वो मोहन बाण है। हाँ कोई सीधा चीज हो ना घर घुस जाएगा निकल जाएगा, लेकिन वो तीन जगह में टेढ़े हैं। अगर कोई टेढ़े चीज घुस जाए ना फिर निकलेगा नहीं। हाँ इसलिए कृष्ण इतने सुंदर है। कृष्ण जब कोटि कमनीय कंदर्प काम रूप को उन्होंने प्रकाशित किया, और एक बार कामदेव के ऊपर में अपना तेरी से चितवन से एक बार देख लिया, वो तेरी से चितवन नहीं था, वो तीर था, वो पूरा इस पार से उस पार हो गया। और कामदेव तो कृष्ण का रूप को देख करके वहीं पर वो बेहोश होकर गिर पड़े। हैं कृष्ण का बाण को सहन नहीं कर पाए। इतने में उनका जो पत्नी थी रति देवी भागते भागते आई। बोले प्रभु अब तो मेरे पति को मार डाले, इसलिए कृपा करके मेरे पति को जीवन दान भी दो। भगवान उसका सर पर हाथ रखे, जब उनका होश आए फिर कामदेव तो कृष्ण के चरण में लोट पोट खाने लग गए। बोले हे प्रभु आप हमें कृपा करके अपना चरण की एक हमें दासी बना दो। इसलिए फिर वही कामदेव कृष्ण का बच्चा कहते प्रद्युम्न बन करके आता है। हाँ ये प्रद्युम्न बन करके आया कामदेव स्वयं। इसलिए कहते हैं श्री सुखदेव गोस्वामी जब ये रास लीला को वर्णना करते हैं, बोले भैया रास रचिया है कौन? बोले भगवान, वो जीव नहीं है। घर में अगर दो पत्नी हो जाए ना, देखना दिन भर महाभारत होता है, लेकिन यहाँ पर तो 70 करोड़ गोपियों को लेकर के, 16,108 पटरानियों को लेकर के कृष्ण सबको साथ में रहते हैं। सबको ऐसे लगता है कृष्ण सबसे ज्यादा मुझे प्रेम करते हैं। मुझे जितने प्रेम करते हैं ना दुनिया में, और किसी को इतना प्रेम कभी कृष्ण करते नहीं। इसलिए ये भगवान का ये काम विजय लीला काम में मुग्ध होने वाला नहीं। कहते जो रास है, कहते चार ही तरह का रास है। कहते एक है नित्य रास जो रोज रोज रास होता है, दूसरा है बासंती रास, तीसरा है शारदीय रास, चौथा है कौन सा रास है, चौथा है ऐसे चार रास है। हाँ ये चार रास भगवान की है। इसलिए चार रास में कहते इस यहाँ पर बताए जो रासलीला में, वहां पर चार ही शब्द भगवान, वहां पर चार ही शब्द प्रयोग होता है। बल ये रास रचया कौन है? बोले जोग मायांग उपाश्रितम। पहले हम लोगों ने श्रवण किया था जोग माया कौन है, मूल जोग माया श्रीमती राधा रानी, क्योंकि राशेश्वरी कौन है, श्री राधा रानी ही राशेश्वरी है। अगर राधा रानी नहीं हो रास असंभव है। इसलिए रास समय में वहां कृष्ण भी थे, हर गोपियां भी थी, लेकिन जब राधा रानी रास छोड़ कर चली जाती है रास बंद हो गया, क्योंकि राशेश्वरी श्री राधा रानी। इसलिए ये जो रास है बोले जोग मायांग मुपाश्रिताम, ये महामाया को उपास रह करके नहीं हो रहा है। ये महामाया ये काम की ये माया है, लेकिन ये कौन है? बोले जोग माया को आश्रय करते हुए ये लीला कर रहे हैं। और ये कौन है? बोले आत्मा राम अपि अरिरमत। मतलब रास करने वाले कौन है? बोले आत्मा राम। आत्मा राम मतलब जो स्वयं अपना आत्मा में रमण करता है, जो परिपूर्ण आत्मा राम और आप तो काम बताए, मतलब उनकी किसी चीज की आनंद लेने का कोई जरूरत नहीं, वो स्वयं रस स्वरूप है। जिनको वेद में बताए रस वैस रसम जवायाम लब्ध्वानंद भवती, मतलब जो स्वयं ही रस स्वरूप है, उनको कहीं रस लेने का कहीं जरूरत है नहीं, आनंद लेने का कहीं उनको जरूरत है नहीं, वो स्वयं आनंदमय है। इसलिए वो आत्मा में रमण करते हुए भी, लेकिन वो भी रास करना चाह रहे हैं। और जो तीसरा जो शब्द जो प्रयोग किया है उनके लिए है, इसलिए तीसरा जो कामादिश जय संपूर्ण, मतलब जिसने कामदेव को जिसने परास्त किए हैं
वे अभी रास करने जा रहे, इसलिए बोले भगवान अपि, मतलब पूर्ण काम पूर्ण तृप्त होते हुए भी उन्होंने रास करने जा रहे हैं, इसलिए बोले भगवान अपि ता रात्रि। जो ता रात्रि यहाँ पर बहुवचन संस्कृत का शब्द है, वहां पर तीन वस्तु को वहां पर लक्ष्य किया है। बोले ता रात्रि मतलब बोले कृष्ण जब गोपियों का जब वस्त्र हरण किया, वस्त्र हरण लीला में जब गोपियों ने संपूर्ण रूप में कृष्ण के चरण में शरणागत हो गई। स्त्रियों का मूल होता है लज्जा, लेकिन उन लोगों ने अपना लाज लज्जा सब कुछ उन्होंने कृष्ण के चरण में समर्पण कर दिया सब कुछ, और कृष्ण प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होकर के बोले हे गोपियां, तुम लोगों साथ में शरद पूर्णिमा में मैं रास करूंगा। इसलिए कृष्ण उनको वचन दिया था, अभी वो वचन को उन्होंने कृष्ण याद किया, रे गोपियों को मैंने ये वचन दिया है, इसलिए ता। और दूसरा जो ता रात्रि, जब भगवान कृष्ण रास करे, ता मतलब होता है बहुवचन, उस समय कृष्ण भी रास करेंगे। भगवान का सर्वश्रेष्ठ लीला ये रास लीला है। अभी जितने ऋतु है, 6 ऋतु है, ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत शीत और बसंत, ये 6 ऋतु है। कहते तार रात्रि, ये जितने सारे रात्रि है कृष्ण सेवा करने के लिए, ये सारे ऋतु एक साथ में प्रकट हो गए। हाँ? एक साथ में प्रकट हो गए, इसलिए कहते इसी ऋतु में, जैसे एक ऋतु में एक तरह का फूल खिलता है, हाँ? हर ऋतु में अलग अलग फूल खिलता है, जी लेकिन जब कृष्ण रास किए एक साथ में 6 ऋतु प्रकट हो गया, जो अप्सजनी का जो फूल है ना उसमें सब खिल गया, बेली चमेली जूई केतकी मालती माधवी, जितने फूल है वो एक साथ में सारे फूल खिल गए। क्यों? ता रात्रि, बोले जितने जितने सब और अलग रात्रि था वो सारे रात्रि इकट्ठे हो गए कृष्ण सेवा करने के लिए, ये सब के सब इकट्ठे हो गए हैं। इसलिए बोले भगवान अपि ता, ता मतलब होता है अभी कृष्ण जब देखा ये वृंदा रास करने के लिए स्थान काल और पात्र, ये 3 चीज को देखना पड़ता है। लेकिन कहाँ पर रास कर रहे हैं? बोले वृंदावन में। ये वृंदावन जो धाम है, रास और कहीं नहीं किए, स्वर्ग में भी रास नहीं और द्वारका में भी रास नहीं, मथुरा में भी रास नहीं, अयोध्या में भी रास नहीं। रास कहाँ पर किए? केवल वृंदावन धाम में ही किए हैं, केवल वहीं पर रास किए हैं। इसलिए बोले स्थान बोले काल, काल कौन सा? एक साथ में सारे ऋतु प्रकट हो गए हैं, और पात्र जब गोपियों को साथ में रास किए, कृष्ण का उम्र किया है? बोले कैसोर उम्र है कृष्ण का है, 8 साल खत्म होकर 9 साल में कृष्ण प्रवेश कर रहे हैं मध्य कैसोर में, जो प्रवेश किए किशोर अवस्था में, क्योंकि जब तक तो किशोर अवस्था नहीं हो रास कर ही नहीं सकते। इसलिए बोले भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, कौन सा महीना में रास किया? बोले शरद महीना। बोले शरद महीना उसको पहले चला जाता है वर्षा, वर्षा में सारे पानी एकदम घोला हो जाता है, मिट्टी मिट्टी हो जाता है, लेकिन शरद पूर्णिमा आते ही शरद पानी निर्मल हो जाता है, सारे तालाब में सुंदर सुंदर कमल फूल खिली जाती है, और शरद ऋतु में सारे पुष्प एक साथ में सुंदर सुंदर पुष्प खिलता है। इसलिए शरद ऋतु को सबसे सुंदर ऋतु जो समय बताया गया है शरद ऋतु। इसलिए भगवान अपि तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका, बोले भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग मायांग उपाश्रिता। कहते यहाँ पर जो मनश्चक्र जो शब्द है, ये संस्कृत का शब्द है, एक परस्मै पद एक आत्मनि पद, नहीं समझोगे हम लोग। इसलिए परस्मै पद जब प्रयोग करते हैं वो दूसरा के लिए होता है, लेकिन जब आत्मनि पद प्रयोग करते हैं वो अपना लिए होता है। इसलिए यहाँ जो मनश्चक्र शब्द है ये आत्मनि पद है। आत्मनि पद मतलब कृष्ण और जितने जितने उन्होंने लीला की है वो दूसरे के लिए, जैसे रामावतार लिए हैं। किस लिए रामावतार लिए? जब रावण बड़े उपद्रव कर रहा था दुनिया में, हैं? सारा ऋषि मुनि को तंग करके रखा था, बड़ा व्यभिचारी कर रहा था, तब भगवान ने राम अवतार में आए और सारे संतों को उन्होंने रक्षा किया है। जैसे कुर्म अवतार में, किस कुर्म अवतार लिए? ये बंदराचल पर्वत को धारण करने के लिए। मत्स्य अवतार क्यों लिए? जब शंखासुर ने 4 वेद को चोरी करके ले गया। नरसिंह अवतार क्यों लिए? प्रहलाद के लिए।
वामन अवतार क्यों लिए? बलि महाराज के लिए। ये जितने सारे दूसरे दूसरे अवतार हैं, कृष्ण दूसरे के लिए सारे अवतार लिए। बोले भगवान जो रास लीला किए किस लिए किए? बोले रास लीला, हम रास कर सकते कोई दुनिया में? कोई रास कर सकते? कोई नहीं कर सकते। इसलिए जो रास लीला भगवान करते हैं कहते तो दूसरे के लिए रास नहीं, कृष्ण अपना लिए ही ये रास लीला किया है। इसलिए यहाँ पर जो मनस चक्र शब्द है कहते कृष्ण स्वयं ये रसास्वादन करने के लिए इन्होंने ये रास लीला किया। और आश्रय किसको किया उन्होंने? आश्रय उन्होंने किया श्री जोग माया को आश्रय करते हुए। और जो मूल जो जोग माया श्रीमती राधा रानी, राधा रानी के चरणों को, राशेश्वरी श्री राधा रानी के चरणों को आश्रय करते हुए भगवान ये रास लीला ठाकुर ने ये रास लीला की है। बोले श्री रास लीला की जय। जय। फिर कल इसका आगे से फिर हम सुनेंगे, खत्म करते।